सोलन में स्कूल बसों और वैन में नियमों को ताक पर रखकर लगातार ओवरलोडिंग हो रही है। यहां तक कि हिमाचल में ओवरलोडिंग की वजह से हो रही दुर्घटनाओं के बाद भी लोग सीख नहीं ले रहे हैं। स्कूली बच्चे भेड़ बकरियों की तरह वाहनों में भरकर स्कूल भेजे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इससे बेखबर था। लेकिन मीडिया ने ओवरलोडिंग के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिस पर जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है और शहर में हो रही ओवरलोडिंग को लेकर आरटीओ सोलन ने चंबाघाट क्षेत्र में वाहनों का औचक निरीक्षण किया। सोलन में स्कूल बसों और वैन में नियमों को ताक पर रखकर लगातार ओवरलोडिंग हो रही है। यहां तक कि हिमाचल में ओवरलोडिंग की वजह से ही हो रही दुर्घटनाओं के बाद भी लोग सीख नहीं ले रहे हैं। स्कूली बच्चे भेड़ बकरियों की तरह वाहनों में भरकर स्कूल भेजे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इससे बेखबर था। लेकिन मीडिया ने ओवरलोडिंग के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिस पर जिला प्रशासन भी हरकत में आया और शहर में हो रही ओवरलोडिंग को लेकर आरटीओ सोलन ने चंबागढ़ क्षेत्र में वाहनों का औचक निरीक्षण किया। अधिक जानकारी देते हुए आरटीओ सोलन सुरेश सिंघा ने बताया कि उन्हें शहर के वाहनों में हो रही ओवरलोडिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते उन्होंने आज चंबागढ़ क्षेत्र में नाका लगाया और वाहनों का निरीक्षण किया तो पाया कि कई वाहन ओवरलोड थे और नियमों की अवहेलना कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम के तहत करीबन 15 वाहनों के चलान काटे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से विद्यार्थियों और आम जनता के जीवन से खेलने नहीं दिया जाएगा और उनका यह अभियान भविष्य में भी यूं ही चलता रहेगा। देखिए, हमने पीछे काफी समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि शहर में जो विभिन्न क्षेत्र है, चंबाघाट, धोरी दीवाल, कोटला नाला, कि एक तो ऑटो वाले ज्यादा किराया वसूल रहे और दूसरा स्कूल वैन्स में ओवरलोडिंग का था। तो आज हम इधर चंबाघाट एरिया में आए हैं और यहाँ पे कुछ ऑटोज को भी हमने चेक किया है और जो ओवरचार्जिंग कर रहे थे या जिनके पेपर्स नहीं थे तो उन पे भी कार्रवाई की है, उनके चालान भी किए हैं। साथ साथ हमने स्कूल की कुछ वैन्स और बसें चेक की है, उसमें जहाँ कमियाँ पाई गई उन पे भी कार्रवाई की गई और आने वाले समय में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। और जहाँ तक बच्चों की सुरक्षा है, ख़ासतौर से स्कूल बच्चों की सुरक्षा है, उसके साथ जो है कोई समझौता भी नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में भी इस तरह की जो कार्रवाई है ये होते रहेगी। भी 20 से 25 ऑटोज़ और 5 से 7 स्कूल वैन्स और कुछ प्राइवेट बसेज जो है वो चेक की है अभी यहाँ पे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े एच टुडे के साथ। नमस्कार।